प्रियंका ने पुष्कर के दिए हुए नोट्स को पढ़ा और कंफ्यूज होते हुए बोली, ये सब क्या है? क्या मुझे मंत्रों की साधना करनी होगी? वो मंत्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ना और समझना बहुत ही कठिन था। पुष्कर ने कहा, हाँ ये बहुत ही प्राचीन मंत्र है और ये तुम्हारी कंडीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पुष्कर सारे वेद पुराण पढ़ चुका था और वो जानता था कि उनमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा हुआ है, बस उन्हें समझने की जरूरत थी। इसलिए पुष्कर ने प्रियंका को एक खास मंत्र प्रैक्टिस करने के लिए दिया। प्रियंका ने जैसे उसे पढ़ा तो उसे अपने शरीर के अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी, जैसे कि उसके शरीर में हर तरफ झनझनाहट हो रही हो। पुष्कर ने मन में सोचा, एक बात तो माननी पड़ेगी, प्रियंका के अंदर बहुत ही यूनिक टैलेंट है। प्रियंका बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रियंका अगले 2 दिनों तक लगातार उस मंत्र की साधना करती रही। तीसरे दिन पुष्कर यह देखकर हैरान था कि प्रियंका अब उस मंत्र को अच्छे से पढ़ने लगी है और मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर उसकी प्रैक्टिस भी खुद से करने लगी है। तीसरे दिन दोपहर के वक्त पुष्कर को सोनाली का फोन आया। वह पुष्कर को वापस स्पेशल फोर्सेस के बेस पर बुला रही थी। पुष्कर ने भी 2 दिन के बाद आने का वादा किया हुआ था, इसलिए वह प्रियंका से विदा लेकर सीधा बेस पर चला गया। इसके अलावा पुष्कर कमांडर निकुंज से भी मिलना चाहता था, ताकि ये पता कर सके कि कमांडर निकुंज आखिर कौन है। स्पेशल फोर्सेस बेस पर चीफ इंस्पेक्टर के ऑफिस में दीवार पर भारत का एक नक्शा लगा हुआ था, जिस पर ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल फ्लैग दोनों तरफ लगे हुए थे। नक्शे के ऊपर एक बड़ा सा सितारा बना हुआ था, जिसमें आर पार एक तलवार जा रही थी। ये स्पेशल फोर्सेस का सिंबल था। ये ऑफिस बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन किसी कंपनी के प्रेसिडेंट के ऑफिस से बहुत बड़ा था। ऑफिस में बड़ी सी कांच की खिड़की लगी हुई थी, जहां से ट्रेनिंग ग्राउंड को देखा जा सकता था। पुष्कर मुलायम से मखमल के कारपेट पर खड़ा होकर शांति से ऑफिस को एनालाइज कर रहा था। रूही, जो कि चीफ इंस्पेक्टर की नई सेक्रेटरी अपॉइंट हुई थी, पुष्कर को देखकर किसी ट्रांस में चली गई। पुष्कर की जगह अगर और कोई होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद बहुत टेंशन में रहता, लेकिन पुष्कर बहुत ही शांत था और उसे इस पोजिशन का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। रूही ने कहा, चीफ इंस्पेक्टर वे लोग आ चुके हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? चीफ इंस्पेक्टर की सेक्रेटरी थोड़ी नर्वस थी और उसकी आवाज भी कांप रही थी। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। रूही ने ऑफिस का दरवाजा खोला और सोनाली, धनंजय और बाकी के इंस्ट्रक्टर्स को अंदर इन्वाइट किया। जब सभी इंस्ट्रक्टर्स ने पुष्कर को मेन सीट पर बैठे हुए देखा तो उन्होंने पुष्कर को ग्रीट किया और अपनी अपनी सीट ले ली। सबसे बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी पुष्कर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। पुष्कर सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, ये बात साफ है कि हमें भी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए सीधे मीटिंग शुरू करते हैं। नचिकेता का चेहरा बहुत सीरियस था, उसने रिपोर्ट देते हुए कहा, हेलो चीफ इंस्ट्रक्टर, हेलो इंस्ट्रक्टर्स, इस बार हमारी मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पिछले मिशन के गेन्स और लॉसेस के बारे में बात करते हैं। हम अपनी स्पेशल फोर्सेस के रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करते हैं और इस वक्त हम 200वें नंबर पर हैं। पुष्कर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर नचिकेता, वहां मौजूद बाकी 11 इंस्ट्रक्टर्स ने पुष्कर को हैरानी से देखा। पुष्कर ने टेबल पर अपना हाथ 2-3 बार थपथपाया और एक गहरी आवाज में बोला, एफिशिएंसी बेगा के फॉर्मल टर्म को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, काम की बात कम से कम शब्दों में और कम से कम टाइम में बोलना सीख लो। ये सुनकर सब इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए। नचिकेता तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसने पिछली 2 रातों तक अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर इतनी मोटी रिपोर्ट तैयार की थी और उसे लग रहा था कि इस काम के लिए उसे बहुत शाबाशी मिलेगी। जब पुष्कर ने देखा कि इस ऑफिस का माहौल भी किसी बैंक की ब्रांच की तरह है तो उसने कहा, सोनाली, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया था, क्या कोई और भी जरूरी बात थी? सोनाली ने जवाब दिया, दरअसल चीफ इंस्पेक्टर, पिछली पहाड़ी पर होने वाला इंटरनल वॉर टूर्नामेंट हमें समय से पहले करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन फेयरली हो सके इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि कुछ बड़ी और ताकतवर फैमिलीज अपनी मनमानी ना कर सकें। पुष्कर को इंटरनल वॉर टूर्नामेंट के बारे में पहले से ही पता था और वो इस कॉम्पिटिशन में संजय मेहता और उसकी फैमिली की रेपुटेशन को खत्म करना चाहता था। इंटरनल वॉर टूर्नामेंट ही एक ऐसा वेन्यू था जहां पर पुष्कर संजय मेहता से खुलेआम लड़ सकता था। पुष्कर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यह टूर्नामेंट हमें समय से पहले क्यों करना पड़ेगा? सोनाली ने जवाब दिया, एक्चुअली बात यह है कि हमारे पुराने चीफ इंस्ट्रक्टर अर्जुन 3-4 साल पहले अचानक ही गायब हो गए थे। ये बात आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन हमारी मिलिट्री और पूरे भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट इंसान है। हम उन्हें कई सालों से ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन भैरव टूर्नामेंट के दौरान मेहता परिवार ने हमें
अर्जुन सर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही हमने भैरव टूर्नामेंट के दौरान मेहता फैमिली की कुछ हरकतों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश भी की थी। ये सुनकर पुष्कर मुस्कुरा दिया। वह सोचने लगा, सर्वेश मेहता रूल्स के खिलाफ जाकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेशल फोर्स वालों ने उसे रोका नहीं। इसका मतलब है कि यह सब कुछ अर्जुन के खातिर किया गया था। पुष्कर ने दोबारा पूछा, तो क्या इस बार इंटरनल वॉर टूर्नामेंट में भारत की सारी बड़ी फैमिलीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं? इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात क्या है? सोनाली और बाकी के इंस्ट्रक्टर्स ने पुष्कर को अजीब सी निगाहों से देखा और सोचने लगे, क्या पुष्कर को इतना भी नहीं पता है? सोनाली ने जवाब दिया, फेम और पैसा। इंटरनल वॉर टूर्नामेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें 100 करोड़ रुपए की एडमिशन फीस भरनी होगी, जो कि बाद में टॉप 3 लोगों में रैंक के हिसाब से बांट दी जाएगी। दूसरी खासियत यह है कि धानी पहाड़ी की दवाइयों को खरीद और बिक्री का ठेका भी जीतने वाली फैमिलीज को ही मिलेगा। जितनी भी फैमिलीज पार्टिसिपेट करेंगी वो लोग अपने लिए वो खास दवाइयां खरीद सकते हैं। इसके अलावा जीतने वाले को पिछली पहाड़ी के मिस्टीरियस एरियाज में जाने का मौका भी मिलेगा। और आखिरी फायदा यह होगा कि कॉम्पिटिशन में टॉप 7 पर रहने वाले फैमिलीज को एक प्राचीन मार्शल आर्ट फैमिली में जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। हमारी स्पेशल टीम ने उस प्राचीन मार्शल आर्ट फैमिली से कई सारी चीजें सीखी हैं। अब पुष्कर को इंटरनल वॉर टूर्नामेंट की असली कीमत का पता चल गया था और वो ये भी समझ गया था कि क्यों संजय मेहता, जो कि पूरे मुंबई शहर का नंबर 1 आदमी था, इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहता था। जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए 2.5 दिन की मीटिंग का शेड्यूल बनाया गया था, पुष्कर ने उन टॉपिक्स को 3 घंटे के अंदर ही डिस्कस करके खत्म कर दिया था। इस मीटिंग के दौरान पुष्कर समझ चुका था कि उन सब इंस्ट्रक्टर्स का किस तरह का बिहेवियर था। पुष्कर सोच रहा था, सोनाली का बिहेवियर काफी हद तक मेरी तरह ही है। जहां तक बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील की बात है तो वो बहुत ही लॉयल और करेजियस है। अगर देश के हित की बात आती है तो वह किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। जहां तक धनंजय की बात है, वो एक चालाक बुढ़ा है। उसके साथ ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। नचिकेता एक ऐसा इंसान है जो केवल कानून के हिसाब से काम करता है। आखिरकार पुष्कर ने एक आखिरी खाली सीट की ओर देखा और पूछा, यह सीट पर कौन बैठता है? सोनाली ने तुरंत जवाब दिया, यह सीट मेरी बहन किंजल की है। वो भी पैंथर स्पेशल फोर्सेस की इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। पुष्कर को लगा कि शायद थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा सोचे बिना मीटिंग खत्म कर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद पुष्कर ने सोनाली से कहा, अगली बार मैं स्पेशल फोर्स टीम के सभी मेंबर से मिलना चाहता हूं, सब लोगों को बता दो कि मीटिंग जरूर अटेंड करें। पुष्कर के बारे में सभी लोग पहले ही सुन चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पुष्कर को कभी देखा नहीं था। जब पुष्कर उन सबके सामने आया तो वे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि पुष्कर बहुत ही कम उम्र का था। पैंथर स्पेशल फोर्सेस की लड़कियां तो पुष्कर को देखकर पागल ही हो गई थी। एक लड़की बोली, हमारा चीफ इंस्ट्रक्टर तो बहुत ज्यादा यंग है और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और बहुत पावरफुल भी। पुष्कर एक एक करके हर मेंबर को पर्सनली नहीं सिखाना चाहता था, इसलिए उसने पहले 5 इंस्ट्रक्टर्स को चुना और उन्हें अलग अलग मेंटल ट्रेनिंग के मेथड सिखाए। इस तरीके से पुष्कर को हर बेवकूफ और घमंडी टीम मेंबर से खुद डील नहीं करना पड़ रहा था। इंट्रोडक्शन होने के बाद सेक्रेटरी रूही पुष्कर के पास आई और बोली, चीफ इंस्ट्रक्टर, कई सारे अलग अलग फोर्सेस के स्पेशल गेस्ट भी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, क्या मैं उन्हें बुला लूं? ये कहते हुए रूही ने पुष्कर को एक मोटा रजिस्टर दिखाया। नए चीफ इंस्ट्रक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद से कई सारे लोग पुष्कर से मिलना चाहते थे। पुष्कर ने रजिस्टर को एक दो बार पलट कर देखा, फिर सभी लोगों के नाम उसके दिमाग में छप गए। एक नाम को देखकर पुष्कर की आंखों के आगे चमक आ गई। वो नाम था अभीर। पुष्कर गहरी आवाज में बोला, वैसे तो कहने को वे सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में वे मेरी ताकत का जायजा लेने और कुछ स्किल सीखने के लिए आए हैं। रूही ने कहा, यस चीफ इंस्ट्रक्टर, वे सभी अपनी स्पेशल टीम्स के एलीट मेंबर्स हैं। उनसे बेहतर इस देश में केवल हमारी स्पेशल फोर्स है। हर साल वे बहुत मेहनत करते हैं और तब जाकर उनका 2 महीने के लिए हमारे साथ ट्रेनिंग करने का सिलेक्शन होता है, लेकिन हम हर साल केवल 3 लोगों को ट्रेनिंग लेने की परमिशन देते हैं। पुष्कर ने रजिस्टर के नामों को देखते हुए कहा, यह अभीर साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन का है और ये 2 लड़के नॉर्थ मिलिट्री रीजन के हैं। इनको ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लो, मुझे बाकी के लोग नहीं चाहिए। रूही को लगा कि पुष्कर ने रैंडमली 2-3 नाम चुन लिए हैं, लेकिन वे तीनों ही लोग असल में पुष्कर से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। दरअसल नॉर्थ मिलिट्री रीजन के 2 लड़के हेलीकॉप्टर लेकर सीधे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और उन्होंने पुष्कर से इंस्ट्रक्टर बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए पुष्कर उन्हें ट्रेनिंग का मौका देना चाहता था। जहां तक अभीर की बात थी, पुष्कर उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन वो जानता था कि वो कौन है। अभीर मेहका के परिवार से था। रजिस्टर में लिखी इन्फॉर्मेशन से पुष्कर को पता चल गया था
कि अभीर सचमुच में अर्जुन का स्टूडेंट रह चुका है। रूही ने अभीर के नाम पर सर्कल बना हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या अभी मेहका के फैन हो क्या, इसलिए आप अभीर को एक मौका दे रहे हो? ये बात सुनकर पुष्कर थोड़ा हैरान रह गया और बोला, क्या तुम जानती हो कि अभीर मेहका का रिश्तेदार है? रूही ने जवाब दिया, हाँ मुझे आज सुबह ही पता चला, क्योंकि वे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और वे हमारे मिलिट्री एरिया के रिसेप्शन अपार्टमेंट में रहेंगे। जब मैं उनके लिए अरेंजमेंट कर रही थी तो मैंने मेहका को देखा था, वो अभीर को अंकल कहकर पुकार रही थी। पुष्कर ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा मेहका भी यहां आई हुई है? अब पुष्कर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मेहका से नहीं मिला था। पुष्कर तुरंत उठा और रूही से बोला, मैं मेहका से मिलने के लिए जा रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री के गेस्ट अपार्टमेंट के अंदर अभीर और मेहका अपने डेली रूटीन के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। मेहका अपने साथ अपने कॉलेज की रूममेट को भी लेकर आई थी। उस लड़की का नाम यामी था और वो भी म्यूजिक की ही पढ़ाई करती थी। पुष्कर भी मेहका से मिलने के लिए और अभीर की ताकत आजमाने के लिए उस ओर चल पड़ा था, लेकिन उसे यामी के बारे में कोई खबर नहीं थी। आखिर क्या है अर्जुन के गायब हो जाने के पीछे का राज? क्या पुष्कर करप्ट हो चुकी स्पेशल फोर्स को सुधार पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।